स्टार्ट किया जाए। डिप्लोमा बायोलॉजी फिर पूछता है ना, कहाँ के डिप्लोमा में? जामिया में। नहीं लोल बराबर जामिया डिप्लोमा में, इंजीनियरिंग में। अच्छा, जामिया डिप्लोमा में 55 फिजिक्स, 55 केमिस्ट्री और मैथ, और कितना 60। ये 55 कितना हो गया? 110। और यस ये मैथ कितना हो गया टोटल? 170। इतने ही क्वेश्चन होगा। दिल्ली पॉलिटेक्निक का दोगे ना? दिल्ली पॉलिटेक्निक इसमें पूछता है बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी पूछता है। चलो स्टार्ट किया जाए। अरे स्टार्ट किया जाए तो ये बताओ पिछले क्लास में क्या बताया था हमने, बताइए। बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स क्या था फॉर्मूला? बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या था बोलो जल्दी। वी डी रो एल इंटू जी, यही था ना। वी डी क्या था? वी डी क्या था? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। और ये रो एल क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जी तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुनो मैं थोड़ा सा और, आप लोग भी नहीं थे तो आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। सुनो ये क्या है थोड़ा सा और मैं बता दे रहा हूँ, एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और आप लोग भी नहीं थे तो आप लोग भी सीख लोगे। और खैर थोड़ा इस पर और भी मैं जोर देना चाह रहा था इन सारी चीज़ों पर। देखो ये रियल में है क्या, बता चुके हैं इससे पहले, हम यही बताए थे रियल में है क्या। जैसे ये मान लो ये क्या है, कोई कंटेनर है, कंटेनर में क्या है मान लो लिक्विड होगा, और लिक्विड में किसी बॉडी को हमने डाल दिया, ये हमने किसी बॉडी को एम मास के बॉडी को डाल दिए। तो ये क्या होगा, जब ये लिक्विड के अंदर जाता है, लिक्विड के अंदर जाता है तो लिक्विड को हटाता है। मान लो वाटर के अंदर डालोगे तो वाटर को हटाएगा, और जितना वाटर को हटाएगा उसके जगह पे खुद फिट हो जाएगा। तो रियल में आपने फील किया होगा ये बायोंट फोर्स है क्या रियल में। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें जब मान लो एक बॉल ले लो, एक बॉल ले लिया आपने, इसको कंप्रेस करो, कंप्रेस करके छोड़ो तो अपवर्ड एक फोर्स लगता है, होता है ना। आप नहर में नहाए होगे, नहर में जब तैरने जाते हो तो नहर में मीन्स रिवर के नीचे वाले सरफेस पे जाते हो ना, पानी के नीचे वाले सरफेस पे, तो बड़ा मुश्किल होता है जाना, आपको लगता है कि ऊपर ये फेंक रहा है, उसी फोर्स को तो बोलते हैं बायोंट फोर्स। तो रियल में उस वो जो बायोंट फोर्स होता है उसकी जो फॉर्मूला होता है, ऐसा समझ लो फॉर्मूला होता है, वो क्या है? वी डिस्प्ले, ये वी डी रो एल इंटू जी, यानी कि वी डी क्या है, वो जितना वॉल्यूम हटाएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हटाएगा वो, समझ में आ रही बात। मान लो ये क्यूब होता, कंप्लीटली अंदर चला जाता, तो जो उसका वॉल्यूम होता उतना ही वाटर को हटाता, अरे उतना ही वाटर को हटाता, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को हटाता। समझ में आ रही बात, कंफ्यूज नहीं होना है। बोलोगे सर ये जो वॉल्यूम तो इसका ले रहे हो ब्लॉक का, लेकिन डेंसिटी लिक्विड का क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं? लेने का रीजन ये है यार, ये जो बायोंट फोर्स होता है रियल में, सोचो जितना किसी ब्लॉक को जब पानी के अंदर डालते हैं तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हटाएगा तो वो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब उस वॉल्यूम को, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, एम अपॉन वी, तो मास के लिए जैसे ही डेंसिटी को, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास निकल के आएगा। तो ये डिस्प्लेस्ड जो वॉल्यूम है वाटर वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को लिक्विड के डेंसिटी, लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका मास आ जाएगा। समझ में आ रही बात, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जी से। तो ये हो गया, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जी से। तो एम इंटू जी क्या है, ये क्या है, यही तो है, अरे यही तो है बायोंट फोर्स, यही क्या है, एफ बी, एफ बी। और एम के जगह पर किसको पुट कर दो, रो इंटू वी, रो वी इंटू जी। समझ में आ रही बात, आप ऐसा समझ लो जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है, मान लो ब्लॉक का होता है,
ब्लॉक का होता है, मीन्स जितना ब्लॉक उस लिक्विड के अंदर जाएगा, जितना वॉल्यूम हटेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हटेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है ये, समझ में आ रही बात। और ये लिक्विड, जो लिक्विड हटा है, समझ में आ गया पक्का। अब ये रहा, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, वी डी रो एल इंटू जी। ये एक लड़की पता है क्या लिखी थी, वी डी, और इसका मतलब क्या उसने लिखा था, डिरेक्शन। डी फोर क्या होता है, हाँ इसका मतलब उसने डी का मतलब डिरेक्शन समझ रही थी, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, समझ में आ रही बात। अब इस कॉन्सेप्ट पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन में करा रहा हूं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए क्या बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स क्या लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, समझ में आ गया। चलो गुड, बहुत बढ़िया हो गया। अब आते हैं, हाँ समझ आ गया, अब आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी क्वेश्चन एकदम आसान आसान है, ये आप लोगों से हो जाएगा। देखो यहां देखिए, तो एनसीईआरटी ग्रेविटेशन पेज नंबर 145 पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको थ्योरी में कवर कर चुके हैं, लेकिन देखो फिर भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट। कह रहा है सुनो, ये हालांकि एक्सप्लेन कर चुके हैं फिर भी मैं कर दे रहा हूं, ये आपका कंटेनर है और इसमें क्या है, लिक्विड है। अब इसके अंदर किसको डाल रहे हैं, एम मास के बॉडी को, तो जी मीन्स एम जी किधर लगेगा, नीचे। तो एक्सेलरेशन इधर ही है, एक्सेलरेशन नीचे है। तो रियल में कह रहा है कि ये जो एफ बी है, एफ बी क्या है, बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर, समझ में आ रही बात। जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बायोंट फोर्स आता है। अब सुनना इस बात को, फिर से मैं बता दूं, एक बकेट ले लो, बकेट में वाटर ले लो, बकेट में क्या लो, वाटर, और उसमें एक बॉल को डाल दो और बकेट को ऊपर ऐसे लेकर जाओ, किधर एक्सेलरेट करा दो, ऊपर, तो बॉल जो है ना वो नीचे आने की कोशिश करता है। अब बायोंट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे, समझ आ रहा है क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बायोंट फोर्स होता है, समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बायोंट फोर्स लगता है, समझ में आ रही बात। ये इंट्रेंस में पूछ सकता है, ये रहा, ये हमने करा दिया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 20 एनसीईआरटी पेज नंबर कितना है, 145। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, अरे ये वाटर है, लकड़ी को अंदर कंप्रेस कर दो, यही तो कह रहा है। व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर अ वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। यार लकड़ी ऊड सरफेस पे क्यों आ जाता है, अरे ऊड सरफेस पे आ जाता है ना, हाँ नहीं ये रीजन है, बायोंट फोर्स ज्यादा होता है इस सिचुएशन में। अरे इसका मास होगा ना, तो mg इधर लगेगा और ऊपर में क्या लगेगा, fv, तो इस सिचुएशन में fv ग्रेटर देन mg, इसीलिए ऊपर आ जाता है, समझ में आ रही बात। दूसरी बात, इस ऊड का डेंसिटी भी कम होता है, मान लो ये डेंसिटी ऑफ बॉडी हो गया, अरे बोलो ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है, लेस देन, यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, समझ में आ गई बात। इसीलिए आपका ऊड क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है। चलो हो गया ना,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है और आसान है। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस और ये सब अलीगढ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से बिल्कुल इसमें सिलेबस में दिया है फ्लोटेशन करके। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक? विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक? और क्या हो जाएगा? बोलो, डूब जाएगा। डूबने का रीजन देखो, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? अरे 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब सोचो मास कितना है बॉडी का? 50 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालो, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 50 ग्राम अपॉन कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठिकाऊ, ये कितना आ जाएगा? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इस सिचुएशन में बॉडी क्या हो जाता है? सिंक कर जाता है। समझ में आ गई बात? नोट कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, इसके बाद वाला क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, what will be the mass of the water? Water displaced by this packet। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले बताना है फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? सिंक कर जाएगा ना। बहुत बढ़िया, गुड। क्यों कर जाएगा सिंक? डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है। देखो कैसे करोगे। चलो बॉडी का वॉल्यूम बता दो जल्दी से। 500 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना है बॉडी का? अरे मास कितना है? 500 ग्राम। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? एम अपॉन वी कितना हो जाएगा? मास कितना है? मास 500 ग्राम।
500 ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीचका हूँ, ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ रहा है 1.43 ग्राम। खैर मतलब एक से तो ज्यादा आएगा, 1.43 बोलो ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप लोगों के भरोसे पे लिख रहा हूँ, गलत नहीं वरना सोच लेना। अरे आ गया ना, अब सोचो सोचो सोचो, उसके बाद क्या दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी ऑफ क्या बॉडी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होगा बॉडी क्या हो जाएगा डूब जाएगा यानी कि सिंक कर जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से, हो गया। हाँ अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, बोलो 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 बोलो, पहले ये बताओ बायोट फोर्स का फॉर्मूला, बायोट फोर्स का फॉर्मूला जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एफ वी इक्वल्स टू क्या होता है वी डी रो एल इंटू इंटू जी, ये होता है, अरे यही होता है ना। और वो जो ब्लॉक है या पैकेट है, पैकेट है जितने मास को वाटर के जितने मास को हटाएगा वो यही तो है, अरे यही है ना। तो उसका वॉल्यूम कितना है, कंप्लीटली डूब गया है, कंप्लीटली डूब गया है, तो जाहिर सी बात है जितना उसका वॉल्यूम है उस बॉडी का उतना वाटर ऑफ मास को हटाया होगा तभी तो अपना जगह वहां बनाया होगा, बात बराबर वाला मामला है ना। खैर तो रियल में कितना हो जाएगा 350 इंटू डेंसिटी ऑफ, हाँ वन, यानी कितना आ जाएगा 350 अरे ग्राम होगा ना लोल, ये क्या है, ये क्या है 350, ये क्या है वॉल्यूम है, यानी कि ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम है, और ये डेंसिटी है ना यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो कट गया ये, तो फाइनली कितना आ जाएगा 350 ग्राम, और यही होगा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर, नोट कीजिए। सुनो बस इतना ही रहने देते हैं, और भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे आपसे हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप लोग पूछ लेना, और आप लोग हाँ कमेंट कर सकते हो और ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आप फोटो खींच के फेंको, क्वेश्चन खींच के उस क्वेश्चन का फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन ज़रूर देगा उसका। चलो तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, फिर मुलाकात होगी तो बात होगी।